उन्होंने आरती क्या डिमांड देखी है कि मेरी भाभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, बाकी लोगों को आज नहीं। अच्छे अगर गांव वाले होते ना तो वो छोटू आज मरता नहीं। आवाज जा रही थी पड़ोसी को, आपको क्या लगता है वो पड़ोसी उतना बड़ा कल्प्रिट नहीं? पड़ोसी पे FIR नहीं होना चाहिए, रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर आज यहाँ पे मेरे सामने मर्डर हो रहा है और मैं खड़े होकर देख रही हूँ तो मेरे पे भी उनके घर में हुआ तमाशा देखने वालों के लिए एक संदेश है, ऐसा ना हो कि कल आप छोटू के मामा की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आरती का परिवार दोषी है उतना ही दोषी छोटू का मामा भी है, जो बात को जानते हुए भी वो अपने भगने को बचाने नहीं आया। आरती का बस अभी फिलहाल एक ही डिमांड है कि वो जल्द से जल्द अपनी भाभी और उनके मायके वाले की गिरफ्तारी का डिमांड कर रही है, और वो मेन कल्प्रिट छोटू की मौत की भाभी को बता रही है और माँ और छोटे भाई को निर्दोष बता रही। सही बात है, छोटे भाई और माँ का कोई दोष नहीं, उसके अलावा तमाम लोगों ने मिलकर छोटू को मारा है, इस बात की उसने पुष्टि की है। जी ये सही बात है। तो उसमें तो प्रशासन को भी उसी तरह, हमारा संविधान इस तरह का है कि आज हम जान जाएंगे कि इसने क्राइम किया, ये रेपिस्ट है, चाह के भी हम उसका पब्लिकली नाखून नहीं उखाड़ सकते, नहीं तो वो भी अपने आप में एक अपराध है। तो ऐसे उन्होंने आरती क्या डिमांड देखी है कि मेरी भाभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, बाकी लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। यानी कि भाभी जो है पहले से ही आरती को प्रताड़ित कर रही थी। जी भाभी से बहुत प्रताड़ित थी, घर में बहुत वो अपनी भाभी से परेशान थी पिछले एक साल से। आरती की स्थिति वही है, नाजुक है, उसको जो भी संभव मदद है, जो भी आगे सशक्तिकरण की ओर ले जाना है वो सारा चीज महिला विकास मंच देख रही है और उसको वादा करके आई है, फोन नंबर वगैरह दे दिया हमने, जो भी मदद होगी उसको हम लोग करते रहे। आरती क्या चाहती है? आरती अब वो चाहती है कि वो दो परिवार को बहुत बखूबी निभाए और वो न्याय चाहती है, लेकिन उन तमाम न्याय में सबसे पहले वो भाभी की अरेस्टिंग और उसकी मौत की बात कर रही है। आरती रहेगी यहीं, लेकिन साथ हाँ लेकिन साथ ही साथ अपने दो छोटे भाई और माँ का भी ख्याल रखेगी, जिसके लिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उसको एक छोटी सी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वो पढ़ी लिखी है, जीविका की CM भी है, तो उसे परमानेंट जॉब दे दें ताकि वो दो घर का जीविका चला सके। कोई ऐसी बात नहीं है, गांव वाले लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं, तमाशा करते हैं। इतने ही अच्छे अगर गांव वाले होते ना तो वो छोटू आज मरता नहीं। आवाज जा रही थी पड़ोसी को, आपको क्या लगता है वो पड़ोसी उतना बड़ा कल्प्रिट नहीं? पड़ोसी पे FIR नहीं होना चाहिए, चुप रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर आज यहाँ पे मेरे सामने मर्डर हो रहा है और मैं खड़े होकर देख रही हूँ तो मेरे पे भी केस होना चाहिए कि आपके आंख के सामने हुआ। तो अगर हमारा बस चले तो सबसे पहले वो तमाम घरों के लोगों पे हम FIR कर दें कि तुम्हारे सामने मर्डर हुआ, तुम्हारे मामा को फोन गया, वो मामा सो के उठ के अगर आ गया रहता तो वो बच्चा नहीं बचता, उसके मामा की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, छोटू के मामा की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आरती का परिवार दोषी है उतना ही दोषी छोटू का मामा भी है, जो बात को जानते हुए भी वो अपने भगने को बचाने नहीं आया, तो कहीं उसका ऐसा तो नहीं कि मामा ही मरवाना चाह रहा था? एक नई बात हम भी तो उछाल सकते हैं, तुम क्यों चुप रहे? तुम्हारा भगना मौत के मुंह में जा रहा था और तुम 10 बांस की दूरी में आ नहीं सकते थे बचाने के लिए 4 आदमी को लेके? ये गलत है ना, समाज में मैसेज यही जा रहा है कि लोग तमाशा देखते हैं, लोग मदद के लिए आते नहीं है। आज उनके घर में हुआ तमाशा देखने वालों के लिए एक संदेश है, ऐसा ना हो कि कल आपके घर में हो। जागरूक हो जाइए, अब वक्त आ गया।